कॉम्प्लेक्स कुछ अपन एक प्रॉब्लम्स लेंगे। फर्स्ट प्रॉब्लम है यदि जेड वन इजिकल टू टू माइनस थ्री आइटा, जेड टू इजिकल टू थ्री प्लस फोर आइटा, जेड थ्री इजिकल टू वन प्लस टू आइटा, तो निम्न का सत्यापन कीजिए यानी कि निम्न का वेरिफिकेशन कीजिए। ए पार्ट इसका जेड वन इंटू जेड टू जेड थ्री इजिकल टू जेड वन जेड टू इंटू जेड थ्री। इसमें जेड वन जेड टू जेड थ्री की जो वैल्यू दी हुई है उस पर ये प्रूव करेंगे। पहले लेफ्ट हैंड साइड निकालेंगे जेड वन इंटू जेड टू जेड थ्री, तो पहले ये जेड टू जेड थ्री निकाल देंगे जो ब्रैकेट में है, तो जेड वन जेड टू जेड थ्री तीनों की वैल्यू पुट कर दो। अब ब्रैकेट के जो अंदर है थ्री प्लस फोर आइटा इंटू वन प्लस टू आइटा, तो ये सम्मिश्र संख्याओं का सिंपल मल्टीप्लीकेशन है जैसे पहले इसको समझ चुके हैं। तो थ्री इंटू वन थ्री, थ्री को टू आइटा से किया तो सिक्स आइटा, फोर आइटा को वन से किया तो फोर आइटा, और एट आइटा स्क्वायर का माइनस एट हो गया। इस पार्ट को पहले आइटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन पुट कर दिए, इसको सोल्व कर देंगे। टू माइनस थ्री आइटा बार चलता रहेगा, और थ्री माइनस एट क्या हो गया माइनस फाइव, और थ्री प्लस आइटा प्लस फोर आइटा टेन आइटा, इसमें से टू कॉमन, इसमें से फाइव कॉमन आ जाएगा, तो ये अंदर रहेगा माइनस वन प्लस टू आइटा। ठीक है, अब इसको टू माइनस थ्री आइटा और माइनस वन प्लस टू आइटा को वापस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो फाइव बार चलता कॉमन है और ये इसका मल्टीप्लीकेशन आएगा। इसमें आइटा स्क्वायर की वैल्यू वापस माइनस वन पुट कर देंगे। मल्टीप्लीकेशन की प्रोसीजर बिल्कुल सिंपल है, जैसे टू को माइनस वन से किया तो माइनस टू, टू इंटू टू आइटा फोर आइटा, माइनस थ्री आइटा इंटू माइनस वन प्लस थ्री आइटा, और माइनस थ्री आइटा का प्लस टू आइटा से माइनस थ्री आइटा सिक्स आइटा स्क्वायर, आइटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन पुट कर दिया तो प्लस सिक्स हो गया। तो अभी इसको पूरा सिंप्लीफाई कर दिया तो प्लस सिक्स में से टू गया तो फोर, और फोर आइटा प्लस थ्री आइटा सेवन आइटा, तो ये फाइव से मल्टीप्लाई करके दिस इज इक्वल टू आ गया ट्वेंटी प्लस थर्टी फाइव आइटा। अब राइट हैंड साइड लेंगे इसी ए पार्ट की जेड वन जेड टू इंटू जेड थ्री, तो जेड वन जेड टू जेड थ्री की पहले वैल्यू पुट कर दी। अब पहले जेड वन जेड टू को सोल्व कर दिया सिंपल उसी टाइप से, टू इंटू थ्री सिक्स, टू इंटू फोर आइटा एट आइटा, माइनस थ्री आइटा का थ्री से करोगे माइनस नाइन आइटा, माइनस थ्री आइटा का प्लस फोर आइटा माइनस ट्वेल्व आइटा स्क्वायर, आइटा स्क्वायर की वैल्यू क्या पुट कर दी माइनस वन, तो ये प्लस ट्वेल्व हो गया, ट्वेल्व और सिक्स कितना हुआ एटीन, एटीन और माइनस आइटा और बाल चल वन प्लस टू आइटा, वापस इसको मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, एटीन इंटू वन एटीन, एटीन को टू आइटा से थर्टी सिक्स आइटा, माइनस आइटा इंटू वन माइनस आइटा और माइनस टू आइटा स्क्वायर, आइटा स्क्वायर की वैल्यू वापस माइनस वन पुट करेंगे तो प्लस टू, एटीन प्लस टू ट्वेंटी, और थर्टी सिक्स आइटा में से वन आइटा गया तो थर्टी फाइव आइटा। तो ये एल एच एस और आर एच एस दोनों बराबर हुए, इसका मतलब ये आइडेंटिटी प्रूव हो गई। सेकेंड पार्ट है इसका लेफ्ट हैंड साइड जेड वन इंटू जेड टू प्लस जेड थ्री, अब इसको पहले सोल्व कर देंगे। इसमें जेड वन जेड टू जेड थ्री के पहले मान रख दो, ब्रैकेट में सोल्व करेंगे, थ्री इंटू वन कितना हो गया फोर, फोर आइटा और टू आइटा सिक्स आइटा, वापस मल्टीप्लीकेशन सिंपल टू इंटू फोर। अब इसमें से पहले टू कॉमन आ रहा था, कॉमन निकाल देंगे, टू माइनस थ्री आइटा और टू प्लस थ्री आइटा, एक सिंपल फॉर्मूला बन गया। जैसे पहले बताया था ए प्लस आइटा बी ए माइनस आइटा बी, क्या फॉर्मूला बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये किस बेस पे है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाले फैक्टर के बेस पे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लेकिन ए प्लस आइटा बी और ए माइनस आइटा बी होगा तो क्या बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए की जगह इसमें वैल्यू कितनी आ रही टू और बी की जगह थ्री, तो नाइन प्लस फोर फोर थर्टीन इंटू टू ट्वेंटी सिक्स। राइट हैंड साइड जेड वन जेड टू प्लस जेड वन जेड थ्री, तो जेड वन जेड टू प्लस जेड वन जेड थ्री, तो इसमें जेड वन जेड टू जेड वन और जेड थ्री की वैल्यू पुट कर दी। पहले फर्स्ट पार्ट को सोल्व कर दिया, टू इंटू थ्री सिक्स, टू इंटू फोर आइटा एट आइटा, माइनस थ्री इंटू थ्री माइनस नाइन आइटा, और माइनस ट्वेल्व आइटा स्क्वायर का प्लस ट्वेल्व हो गया क्योंकि आइटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी। इसी टाइप से इसको मल्टीप्लाई कर दो, टू इंटू वन टू, टू इंटू टू आइटा फोर आइटा, माइनस थ्री आइटा इंटू वन माइनस थ्री आइटा, माइनस सिक्स आइटा स्क्वायर प्लस सिक्स हो गया। दोनों को सोल्व कर दिया, सिक्स प्लस ट्वेल्व एटीन, एट आइटा में से माइनस नाइन आइटा गया तो माइनस का आइटा, टू प्लस सिक्स एट, और फोर आइटा में से वन आइटा गया तो आइटा। इसको दोनों को फिर वापस प्लस का साइन, बीच में चिन्ह किसका है प्लस का, तो माइनस आइटा प्लस आइटा कैंसिल, एटीन प्लस एट ट्वेंटी सिक्स, तो एल एच एस आर एच एस इक्वल, ये आइडेंटिटी प्रूव हो गई। पार्ट थ्री सवाल नंबर टू, यदि जेड वन इजिकल टू टू प्लस थ्री आइटा तथा जेड टू इजिकल टू थ्री माइनस फोर आइटा, तो निम्न का सत्यापन कीजिए, जेड वन प्लस जेड टू का। अब पहले जेड वन प्लस जेड टू निकलेगा, बाद में कॉन्जुगेट लिया जाएगा, इजिकल टू जेड वन का कॉन्जुगेट प्लस जेड टू का कॉन्जुगेट।
तो लेफ्ट हैंड साइड निकालने के लिए पहले जेड वन प्लस जेड टू निकाल देंगे। ये कॉन्जुगेट का चिन्ह है, ये जी टी रहेगा। पहले जेड वन प्लस जेड टू को सोल्व करो, टू प्लस थ्री फाइव, और थ्री आइटा माइनस फोर आइटा तो माइनस आइटा। अब इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो फाइव तो रियल पार्ट ए जी टी रहेगा और माइनस आइटा की जगह क्या हो जाएगा, प्लस आइटा। सेकेंड पार्ट जेड वन का कॉन्जुगेट प्लस जेड टू का कॉन्जुगेट के बराबर होना चाहिए। तो जेड वन का कॉन्जुगेट, जेड वन क्या है, टू प्लस थ्री आइटा, तो इसका कॉन्जुगेट हो गया टू रियल पार्ट ए जी टी थ्री आइटा का माइनस थ्री आइटा। जेड टू का कॉन्जुगेट थ्री रियल पार्ट ए जी टी और माइनस फोर आइटा का क्या हो जाएगा, प्लस फोर आइटा। दोनों को ऐड कर देंगे, टू प्लस थ्री फाइव, माइनस थ्री आइटा प्लस फोर आइटा प्लस का आइटा, तो ये आर एच एस और एल एच एस बराबर। सेकेंड आइडेंटिटी, जेड वन जेड टू के पहले मल्टीप्लाई करेंगे फिर कॉन्जुगेट, इजिकल टू किसके बराबर होना चाहिए, जेड वन का कॉन्जुगेट इंटू जेड टू का कॉन्जुगेट। तो जेड वन जेड टू का पहले सिंपल मल्टीप्लीकेशन होगा, कॉन्जुगेट का चिन्ह एज इट इज रहेगा। जेड वन जेड टू तो थ्री इंटू टू सिक्स, टू इंटू माइनस फोर आइटा, माइनस का एट आइटा, थ्री आइटा का थ्री से करेंगे तो प्लस का नाइन आइटा, और माइनस ट्वेल्व आइटा स्क्वायर तो प्लस ट्वेल्व हो गया। ट्वेल्व प्लस सिक्स कितना, एटीन, एटीन नाइन आइटा में से माइनस एट आइटा गया तो प्लस का आइटा। कॉन्जुगेट लेंगे तो एटीन रियल पार्ट एज इट इज और प्लस आइटा का माइनस आइटा। अब सेकेंड पार्ट इसका राइट हैंड साइड, जेड वन का कॉन्जुगेट इंटू जेड टू के कॉन्जुगेट के बराबर होना चाहिए। तो जेड वन का कॉन्जुगेट टू प्लस थ्री आइटा का कॉन्जुगेट कितना, टू माइनस थ्री आइटा, थ्री माइनस फोर आइटा का कॉन्जुगेट हो गया थ्री प्लस फोर आइटा। रियल पार्ट सेम रहेगा, कॉन्जुगेट इमेजिनरी पार्ट का चिन्ह चेंज कर दिया। अब इसको सोल्व कर दिया, सिंपल मल्टीप्लीकेशन कॉन्जुगेट नंबर का, टू इंटू थ्री सिक्स, टू का फोर आइटा से एट आइटा, माइनस थ्री आइटा का थ्री से माइनस नाइन आइटा, और माइनस ट्वेल्व आइटा स्क्वायर का प्लस ट्वेल्व, तो ट्वेल्व प्लस सिक्स एटीन और माइनस आइटा, तो ये आर एच एस और एल एच एस बराबर। सी पार्ट, जेड वन अपॉन जेड टू का कॉन्जुगेट इजिकल टू जेड वन का कॉन्जुगेट डिवाइड बाई जेड टू के कॉन्जुगेट के बराबर होना चाहिए। पहले जेड वन जेड टू के भिन्न को सोल्व करेंगे, तो जेड वन अपॉन जेड टू की वैल्यू, अब इसमें डिनोमिनेटर में क्या, थ्री माइनस फोर बैठा है, तो इसके से कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करना डिवाइड भी करना। अब ये सिंपल फॉर्मूला बन जाएगा, थ्री माइनस फोर आइटा इंटू थ्री प्लस फोर आइटा क्या बन जाएगा, थ्री स्क्वायर प्लस फोर स्क्वायर। किस फॉर्मूले से बनेगा, ये ए माइनस आइटा बी इंटू ए प्लस आइटा बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब न्यूमरेटर में टू इंटू थ्री सिक्स, टू इंटू फोर आइटा एट आइटा, थ्री आइटा इंटू थ्री नाइन आइटा, और माइनस प्लस ट्वेल्व आइटा स्क्वायर का माइनस ट्वेल्व हो गया, आइटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन कर दी। इसको सोल्व कर दिया, सिक्स माइनस ट्वेल्व माइनस सिक्स प्लस सेवनटीन आइटा अपॉन नाइन प्लस सिक्सटीन ट्वेंटी फाइव। अब इसका कॉन्जुगेट, पहले भिन्न को सोल्व कर दिया जेड वन अपॉन जेड टू, और इसका क्या ले लिया कॉन्जुगेट, तो रियल पार्ट माइनस सिक्स एज इट इज प्लस सेवनटीन आइटा हो गया माइनस सेवनटीन आइटा डिवाइड बाई ट्वेंटी फाइव। आर एच एस जेड वन का कॉन्जुगेट अपॉन जेड टू का कॉन्जुगेट, तो टू प्लस थ्री आइटा का टू माइनस थ्री आइटा हो जाएगा, थ्री माइनस फोर आइटा का क्या हो गया थ्री प्लस फोर आइटा, वापस थ्री प्लस फोर आइटा है डिनोमिनेटर में, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, थ्री माइनस फोर आइटा से न्यूमरेट मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। वापस ये फॉर्मूला बन जाएगा, थ्री प्लस फोर आइटा इंटू थ्री माइनस फोर आइटा, थ्री स्क्वायर प्लस फोर स्क्वायर, ये ए प्लस आइटा बी इंटू ए माइनस आइटा बी के तर्ज पे, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, जहाँ ए की वैल्यू तीन और बी की कितनी चार। सिंपल मल्टीप्लीकेशन, टू इंटू थ्री सिक्स, टू इंटू माइनस फोर आइटा माइनस एट आइटा, माइनस थ्री आइटा इंटू थ्री माइनस नाइन आइटा, और माइनस माइनस प्लस ट्वेल्व आइटा स्क्वायर, आइटा स्क्वायर की वैल्यू क्या रहेगी माइनस वन, तो माइनस ट्वेल्व प्लस सिक्स माइनस सिक्स, माइनस एट आइटा माइनस नाइन आइटा माइनस सेवनटीन आइटा डिवाइड बाई ट्वेंटी फाइव। थैंक यू।